हेलो एवरीवन, अंकिता किचन में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही अलग रेसिपी लाए हैं। आज हम पिज़्ज़ा वाला सैंडविच बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सैंडविच है लेकिन आपको पूरा पिज़्ज़े का टेस्ट मिलेगा। तो चलिए हम फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, टमाटर। हम इसे छोटा छोटा काट लेंगे, रफली काटेंगे, बहुत छोटा नहीं चाहिए, रफली कट कर लेंगे। प्याज, गाजर थोड़ा सा, और साथ में थोड़ा सा हरी मिर्च। हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है। जिसको बहुत तीखा पसंद है वही सिर्फ हरी मिर्च डाले, क्योंकि हम चिल्ली फ्लेक्स का भी यूज़ करेंगे। अभी डालेंगे थोड़ा सा बटर। आप बटर थोड़ा मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे मेल्ट हो जाता है। और साथ में हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, और ये हमने डाला मायोनीज। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीज़। चीज़ आप भरपूर डालिएगा, आप कोई भी क्यूब हो, मोज़रेला हो, आप उसको ग्रेट कर लीजिए और उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ में हम डालेंगे थोड़ा ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चीज़ में, बटर में पहले से नमक होता है तो वो बैलेंस हो जाएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए फटाफट बनाते हैं सैंडविच, जिसके लिए हमने ये ब्रेड लिया है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, मैंने ये आटा ब्रेड लिया है। तो अभी इसके ऊपर हम फिल करेंगे और दूसरा ब्रेड ऊपर से रखेंगे। इस तरीके से हम सभी ब्रेड को तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार है ब्रेड सैंडविच, बिल्कुल तैयार है। चलिए फटाफट से इसको सेक लेते हैं। पैन को गर्म करेंगे, उसमें हम डालेंगे बटर। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर रहता है तो वो टेस्ट ही थोड़ा अलग होता है। तो फिर इसको अच्छे से पिघल जाने देंगे, उसके बाद हम अपना सैंडविच इसके ऊपर रख देंगे। अच्छे से इसको घुमा देंगे पैन में, ताकि हर बटर अच्छे से लग जाए। ऊपर से भी हम थोड़ा बटर लगा देंगे। अब इसे नीचे से बिल्कुल रेड हो जाने देंगे, उसके बाद इसे हम टर्न कर देंगे, दूसरे साइड से सेक लेंगे। थोड़ा इसको प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रेस करने से क्या होता है ना कि जो भी सब्जियां अंदर रहती हैं वो सेट हो जाती हैं, शेप ले लेती हैं, अच्छा सा गिरती नहीं है। ये बिल्कुल अब तैयार हो गया है। अब चलिए फटाफट इसको कट करके सर्व करते हैं। आप बिना कट किए भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, कट करके भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कट करने के बाद अंदर से बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल पिज़्ज़े वाला टेस्ट आता है। तो आप लोग घर पे ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए।